क्षेत्र निदेशक डॉक्टर कंठेनी, राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा और विकास बोर्ड क्षेत्र निदेशालय उदयपुर, आज दिनांक 8 फरवरी 2023 को हम इस श्रमिक बस्ती में जिसका नाम है रैगर बस्ती, यहाँ पर महिलाएं और पुरुष शादियों में कैटरिंग का काम करते हैं, कुकिंग का काम करते हैं, अलावा इसके और बहुत प्रकार की मजदूरी से भी यहाँ के लोग जुड़े हुए हैं। सर्वे के उपरांत ये पाया गया कि इस श्रमिक बस्ती में एक संयुक्त तत्वावधान में एक शिविर लगाया जाए, जिसमें नगर निगम की पूरी टीम, श्रम विभाग राजस्थान सरकार की पूरी टीम और अन्य स्वयंसेवी और अन्य संस्थाएं भी इसमें अपना सहयोग दे रही हैं। उद्देश्य हम एक लेकर चल रहे हैं कि लोगों के जॉब कार्ड्स बनाएं शहरी रोजगार गारंटी योजना में। जो हम देख पा रहे हैं कि शहरी रोजगार गारंटी योजना के जॉब कार्ड्स ये पूरी टीम लोगों को बनाकर हाथों हाथ दे रही है। इसके अलावा लोगों के लिए हाथों हाथ ई श्रम कार्ड की व्यवस्था करने के लिए ये पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है और साथ साथ क्रेडिट या छोटे लोन की व्यवस्था भी राज्य सरकार ने की हुई है, इसके लिए भी हाथों हाथ उनके कागजात देखकर, उनके डॉक्यूमेंट्स देखकर उनका पंजीकरण किया जा रहा है। अभी जानकारी लोगों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में भी दी गई है, ये जानकारी बहुत सारे लोगों को नहीं थी और जिनको बताया गया कि जो जो ई श्रम कार्ड धारक है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में फ़ायदा उठा सकते हैं, उसमें लाभ ले सकते हैं। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग बहुत उत्सुक हैं और जब वो अपने घर के द्वार के सामने इस टीम को देखते हैं तो उनका मनोबल बढ़ जाता है सरकार में, सरकार की नीतियों में, सरकार के कार्यक्रमों में, और ये जो मिशन मोड में एक्टिवली आकर उनके घर के द्वार के आगे इस प्रकार के जो शिविर लग रहे हैं, इसमें लोगों का उत्साह बहुत देखने में आ रहा है। लोगों का उत्साह देखते हुए हमारी टीम का उत्साह भी बढ़ता है और हम लक्ष्य लेकर चलते हैं कि जब सुबह से शाम तक यहाँ आज एक शिविर लगाएंगे तो हम कई सौ लोगों के काम यहाँ कर पाएंगे। जो लोग आज वंचित भी रह जाएंगे, अगले शिविर की तारीख उनको हम दूसरी जगह कल देकर जा रहे हैं, जहाँ जहाँ लोगों को कुछ कार्ड्स जो लोग बनवाने से वंचित रह जाएंगे वो कल भी आकर अपना कार्ड उस हमारे दूसरे शिविर में बना सकते हैं। तो ये जो संयुक्त रूप से काम हो रहा है, इन सभी संस्थाएँ जुड़ी हुई हैं, भारत सरकार की राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा और विकास बोर्ड, राजस्थान सरकार का श्रम विभाग, नगर निगम, स्वयंसेवियों की हमारे राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड की पूरी टीम और ये पूरी युवा टीम जितनी बैठी हुई है, ये लेटेस्ट इक्विपमेंट्स लेकर बैठे हुए हैं जो सर्वर्स के साथ कनेक्टेड हैं। जैसे जैसे लोग आ रहे हैं ये लोग उनका काम करके दे रहे हैं और मुझे विश्वास है कि आज भी जो लक्ष्य हम लेकर चले हैं वो लक्ष्य हम पूरा करेंगे और जितनी सेवा है लोगों की उनको सरकारी योजनाओं से जोड़ने का कार्य है वो हम करें। कितने शिविर हुए हैं अभी तक? अभी तक लगभग 39 शिविर हो चुके हैं और कल का शिविर मिलाकर लगभग इस चौथे चरण में 40वां शिविर होगा और इसमें तमाम पंचम चरण में, और इसमें बहुत सारे जॉब कार्ड्स और बहुत सारे हज़ारों की संख्या में जॉब कार्ड्स और हज़ारों की संख्या में ई श्रम कार्ड्स हम लोग बनाने में सफल हुए हैं और इसका श्रेय भारत सरकार और राज्य सरकार और उससे जुड़े विभागों और उनकी जो टीम है उनको जाता है। और साथ साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे जितनी स्वयंसेवियों की टीम है इसमें लगी हुई है, पूरी लोगों को घर से लाना, मोबिलाइज करना, उनको समझाना, उनके डॉक्यूमेंट्स को चेक करना, उनका रजिस्ट्रेशन करना और फिर ये देखना कि आज उनका काम हो और वो हाथों हाथ अपना कार्ड, ई श्रम कार्ड या जॉब कार्ड यहाँ से लेकर जाए। तो इस सब में पूरी टीम जुड़ी है। सौरभ जी गुप्ता जी हैं ब्रांड एम्बेसडर स्कीम के, इस योजना के, और जितने भी हैं गोविंद जी हैं अरावली निर्माण मजदूर संघ से, दौलत राम दामा जी हैं दक्षिण राजस्थान मजदूर यूनियन से, रेखा जी भटनागर है घरेलू राष्ट्रीय घरेलू महिला श्रमिक यूनियन से, नगर निगम की टीम है, आंगनवाड़ी वर्कर्स की पूरी टीम है, ये जितने भी लोग हैं बहुत डेडिकेटेड लोग हैं और लगभग कल 40वें शिविर में तक में हमारा सहयोग कर रहे हैं और इससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। यही इच्छा है कि लोगों का काम हो और जागरूकता के साथ साथ उनके हाथों हाथ कार्ड भी हम बना के दे सकें, उनको योजनाओं से जोड़ सकें, सरकारी रिकॉर्ड में उनका पंजीकरण हो सके, जिससे भविष्य में भी जितनी भी प्रकार की
सामाजिक सुरक्षा है, लोग उससे जुड़े, यही प्रयास है। सरकार भी यही चाहती है और हमारी टीम भी यही चाहती है।